धनी साला करे। रात के 8 का तब वक्त होता है आरबीएस की आवाज का। नमस्कार, मैं हूं संजय भारद्वाज और आप देख रहे हैं आरबीएस की आवाज। हम हाजिर हैं आज की खबरों के साथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र गुना शिवपुरी के दौरे पर थे, जहां जगह जगह उनका स्वागत सत्कार किया गया। लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे बातचीत की तो सिंधिया ने चुनाव में मिली हार पर अपना दुख व्यक्त किया। 8 महीने बाद गुना पहुंचे सिंधिया ने पत्रकारों के कई सवालों का जवाब दिया। वहीं दिव्य सिंह से मुलाकात पर उन्होंने इसे सामान्य प्रक्रिया बताया और कहा कि वह मिलते रहते हैं। सरकार से जुड़े हुए प्रश्न पर उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वहीं एक व्यक्ति एक पद पर भी उन्होंने कहा कि हाईकमान फैसला लेगा। भैया हमारी मुलाकात सदैव होती है, अब वो गुना में हम गुना में तो फिर मुलाकात हो गई। मैं आपसे मुलाकात करता हूं तो आप कवर करते हो क्या कि मुलाकात क्यों हुई आपसे? पूरे प्रदेश में चल सियासत में मुलाकातों का क्या मायने निकाले जाते हैं? मुलाकात होती है, जब आप किसी को जाते हैं मिलने के लिए तो क्या कुछ मायना, हर चीज का मायना, ये तो प्रॉब्लम है ना जिंदगी में, हर चीज का मायना नहीं होता। अगर मुलाकात हो रही है तो अच्छी, अच्छा एक स्वच्छ परंपरा है भाई, क्या प्रॉब्लम है? राज्यसभा सीटें और सब चीजों को लेकर आप लोगों के बीच में, मतलब है कि आप 18 साल बाद भी मुझे नहीं जाने, यही उत्तर दूंगा मैं। हुई क्या मुलाकात, ये बताइए। मध्य प्रदेश जो होनी थी उन्हीं तो जगह सबने डाउट की थी, पर कहां पर आप थोड़ा जासूस है ना मालूम करें क्या दोनों बड़े गर्मजोशी से मिले, काफी अच्छा माहौल देखा गया। एक दूसरे का स्वागत भी आप लोगों ने स्कूल वालों से किया, आपको इतराज है और समझ में नहीं आ रहा है भाई, जैसे कि आप बात कर रहे हैं जैसे कि हम पहली बार हमारी मुलाकात हो आपके सामने। सुनिए आप मेरी बात स्पष्ट सुन लीजिए। मैं यहाँ एक गुना का एक सामान्य नागरिक के रूप में आज मैं आया हूँ। प्रशासन प्रभारी मंत्री जो भी विषय है आप प्रशासन और प्रभारी मंत्री से पूछिए। मेरी जो भूमिका है एक सामान्य नागरिक की, 18 साल इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं हृदय से जनता के प्रति उस सौभाग्य के लिए जिंदगी भर ऋणी रहूंगा। आज एक सामान्य नागरिक के रूप में मैं आया हूँ। मेरा जुड़ाव एक आत्मीयता का है इस क्षेत्र के साथ, जन जन के साथ, राजनीति और सरकार के रूप में नहीं। जो प्रश्न आपको करने हैं प्रभारी मंत्री जी से या प्रशासन से, वो आप जहाँ तक चुनाव का परिणाम है जरूर मुझ में कमी रही होगी और मैं किसी को उंगली नहीं दिखा सकता। चुनाव मैं हारा हूँ, गलती मेरी होगी, कमियाँ मेरी होगी, शायद मैंने जितनी मेहनत, मैं समझता हूँ मैंने काफ़ी मेहनत की 17-18 साल गुना, खास करके गुना का तो पूरा नक्शा मैंने बदलने की कोशिश की और उसके बाद जो परिणाम आए हैं जरूर केवल निराशाजनक नहीं लेकिन दिल दुखाने वाले, पर मुझे आत्म अवलोकन करना पड़ेगा। किसी, मैंने सदैव कहा है आप लोगों को भी कि जिंदगी में उंगली दिखाकर किसी चीज का हल नहीं होता, उंगली दिखाना चाहिए तो स्वतः स्वयं को पहले दिखाना चाहिए। देखिए चुनाव का परिणाम जो आया है अब 1 साल हो गया, पर वो तो मैंने उस समय ही कहा कि इस देश में जनता भगवान है और जनता का निर्णय का को केवल स्वीकार नहीं करना पर उसका पालन करना एक जननायक का दायित्व तो होना चाहिए। मैं अपनी भूमिका एक राजनीतिज्ञ के रूप में नहीं देखता, एक जनसेवक के रूप में देखता हूँ और मैंने उसी दिन से कहा था कि उस निर्णय का सम्मान एवं पालन मैं करूँगा। और इसलिए आपके प्रश्न के पहले ही मैंने कहा कि आज मैं गुना आया हूँ तो मैं एक सामान्य नागरिक के रूप में आया हूँ।
कांग्रेस के बारे में आप कांग्रेस के बारे में आपका प्रश्न है जरूर आप मुझे करिए। एक व्यक्ति कांग्रेस का नियम है वो पालन नहीं हो पा रहा है, उदाहरण मुझे दीजिए कहाँ पा रहे हैं मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पद का। वो तो आपको मध्य प्रदेश के महासचिव से पूछना पड़ेगा ना। आप राष्ट्रीय महासचिव? मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ पर मेरा प्रभार मध्य प्रदेश का नहीं। क्योंकि कहते महाराज कांग्रेस के अंदर ये आज की खबरों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले बुलेटिन में। आप देखते रहिए RBS न्यूज, सच की आवाज। जय हिंद।